अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेयोनीज़ की रेसिपी। एक्चुअली ये है वेज मेयोनीज़, एगलेस मेयोनीज़, लेकिन आज मैं बनाते बनाते आप लोगों को बता दूँगी कि एग वाली मेयोनीज़ कैसे बनाते हैं और एगलेस मेयोनीज़ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एगलेस मेयोनीज़ के लिए लिया है थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा तेल। तेल अगर आप लोगों के पास ऑलिव ऑयल है तो बहुत अच्छी बात। मैंने तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू लिया है। तो ऐसा है, आप लोग क्वांटिटी देख लीजिए, दूध का डबल ऑयल होना चाहिए। अब इतना ऑयल अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ओब्वियसली ऑयल भी अच्छा वाला होना चाहिए। रिफाइंड इतना लोगे तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो क्योंकि मेयोनीज सारी ऑयल का खेल होता है और कुछ नहीं, चाहे आप वेज बना लो चाहे आप नॉन वेज वाली बना लो, यानी कि एग की। तो ऐसा है, प्रोसीजर पूरा सेम है, खाली दूध की जगह आपको एग लेना है अगर आपको एग वाली मेयोनीज़ बनानी है तो, और एगलेस बनाना है तो मिल्क का यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने एक जार ले लिया है, जार के अंदर मैंने ना जो ऑयल दूध था वो ऐड कर दिया है। दूध में शक्कर, नमक, नींबू जो भी मैंने लिया था सारी चीज़ एक साथ ऐड कर दिए। लेकिन ये स्टेज पर हमें ऑयल नहीं ऐड करना है अभी फ़िलहाल। मैं इसको ढक के ऐसे ही ग्राइंड कर लूँगी 10 सेकेंड के लिए, क्योंकि मैंने अक्खी चीनी यूज़ की है तो वो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए उसके अंदर। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल, और फिर थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद इसको मुझे 10 सेकेंड से 15 सेकेंड फिर से मिक्सर में घुमाना है। मतलब ऐसा इसका स्लो प्रोसेस है। एक साथ ऑयल डालोगे तो आप उस मेयोनीज़ तैयार नहीं होती है उस तरीके की जिस तरीके की हमें चाहिए होती है। हमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करना है। मतलब एक बार ऑयल ऐड करोगे तो उसको 10-15 सेकेंड घुमाना है, फिर ऑयल ऐड करोगे फिर 10-15 सेकेंड घुमाना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाया जा रही हूँ। मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा और एक हाथ से शूटिंग चल रही है मेरी, इसलिए मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये धीरे धीरे थिक होते जाएगी मेयोनीज़, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने जितना ऑयल लिया था, जो मैंने क्वांटिटी आप लोगों को बताई, उतने मिल्क के लिए मुझे और थोड़ा सा ऑयल लेना पड़ा। तो ऑयल ज़्यादा लगता है मेयोनीज़ में, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ऑलिव ऑयल या ऐसा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल यूज़ कर लिए, ताकि देखिए मेयोनीज़ तो सेहत के लिए मेरे हिसाब से तो हानिकारक ही है। मैं इतना ऑयल नहीं खा सकती। मैंने ये घर में बनाया तब मुझे समझ में आया कि भाई मैं नहीं खा सकती। मेयोनीज़ की रियल रेसिपी मुझे नहीं पता थी, ये मैंने खुद फर्स्ट टाइम ट्राई किया है घर के अंदर बनाने का। तो जब मैंने खुद से बनाया तब मुझे समझ में आया भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑयल है और कुछ नहीं है। अभी जो शौकीन है मेयोनीज़ खाने वाले वो ऑब्वियसली घर में बना के खा सकते हैं। तो ऐसा है, तो देखिए फाइनली है ना, ये मैंने ऑयल ऐड करने के बाद, पूरा ग्राइंड करने के बाद 2 मिनट के अंदर ये मेयोनीज़ तैयार हो गई है। तो बस अब मैं इसको बॉल में निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने इसको बॉल में निकाल लिया है। अभी ये जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिन है, पतला है। लेकिन अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए। और फ्रिज में 1 घंटे रखने के बाद इसका टेक्सचर देखिए आप, ये किस तरीके का हुआ है। ये देखिए, ये प्रॉपर मेयोनीज़ तैयार हो गई है, प्रॉपर मेयोनीज़ तैयार हो गई है। मैंने जैसे कि बोला आप लोगों को ये वेज मेयो है, तो अगर आप लोगों को एग मेयो खाना है तो आप दूध की जगह सिंपली एक अंडा यूज़ कीजिए और ऑयल की मात्रा उतनी ही रहने दीजिए जितना मैंने आपको बताया। तो मैंने आप लोगों को क्लियर दिखाने के लिए इसको सनलाइट के पास लेके आया कि आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना अच्छा मेयोनीज़ तैयार हो गया। अगर आप अब आप लोगों को इसमें अगर कोई फ्लेवर ऐड करना है तो आप इजीली कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि काली मिरी हो गया, ब्लैक पेपर, लहसुन पीस के ऐड कर सकते हैं, यानी कि गार्लिक मेयोनीज़, और उसके बाद मिंट मेयोनीज़, यानी कि आप पुदीना और कोथमीर को पीस के इसको एक फ्लेवर दे सकते हैं, या फिर पेरी पेरी ऐड कर सकते हैं, या रेडीमेड शेजवान ऐड कर सकते हैं। कुछ भी, कोई भी फ्लेवर आप ये स्टेज पर ऐड कर दीजिए, आपका अलग अलग फ्लेवर की मेयोनीज़ तैयार हो जाती है। तो बस अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय बाय।